पार्वती ने भगवान शिव से पूछ ही लिया, हे मेरे पति परमेश्वर, आप सदैव ध्यान मग्न रहते हो, किसका ध्यान करते हो और किस में रमण करते हो, आनंद किस में लेते, इतना लंबा ध्यान। भगवान शिव ने आंखें खोली, पार्वती से कहा, राम रमेति रमेति राम राम मनोरमे, सहस्त्र नाम अभितुल्यं राम नाम वरानने। हे पार्वती, हे मनोरमे, मैं भगवान राम के नामों में ही रमण करता हूं, भगवान राम पर ही ध्यान लगाता हूं, वे मेरे ईश्वर हैं, उनके नामों को जब मैं जपता हूं, जब उन पर ध्यान लगाता हूं, तो हमेशा आनंद में, हमेशा आनंद में रहता हूं। भगवान को लोग आशुतोष भी कहते हैं। आशुतोष का मतलब है जो जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं और जल्दी से मान भी जाते हैं। लेकिन क्योंकि राम के नाम में रमण करते हैं, इसलिए जब रमण कर रहे होते हैं तो दुनियादारी भूल जाते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है, क्योंकि ये जो वार्तालाप है पद्म पुराण की है, जब पार्वती ने पूछा और जब बोला कि सहस्त्र नाम अभितुल्यम राम नाम वरानने, तो इसका मतलब बताया कि जो विष्णु के 1000 नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम, कहा कि अगर कोई व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ता है और भगवान राम का नाम एक बार बोलता है, तो ये दोनों समान है, उसका पुण्य समान है। आश्चर्यचकित, 1000 विष्णु के नाम लेने में आधा पौना घंटा लगेगा, लेकिन एक बार राम बोल देंगे तो पुण्य समान मिलेगा। जोर से बोलिए राम राम, 2000 बार विष्णु के नाम बोलने का लाभ पहुंच गया। और शास्त्र में कहा गया है, सहस्त्र नाम नाम पुण्या नाम, मतलब सहस्त्र नाम नाम पुण्या नाम त्रि आवृत्ति तु यत फलम, एक आवृत्ति तु कृष्णस्य, एक आवृत्ति तु कृष्णस्य नाम एकम तत् प्रयच्छति। क्या मतलब हुआ इसका? कहा कि जिस प्रकार ये सहस्त्र नाम हम बोलते हैं, अगर 3 बार बोले जाएं, मतलब 3000 बार विष्णु का नाम बोला जाए, या विष्णु सहस्त्र नाम 3 बार पढ़ा जाए, तो कहते हैं एक आवृत तू कृष्ण से, एक बार अगर कृष्ण बोल दिया तो 3000 बार विष्णु नाम लेने के समान पुण्य मिलता है। और हम हरे कृष्ण महामंत्र का गुणगान कर रहे हैं, उसका कीर्तन कर रहे हैं, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलने में 4 बार राम और 4 बार कृष्ण का नाम आता है। अगर 4 बार नाम राम का आया तो विष्णु के कितने नामों का पुण्य मिल गया? 4000, अर्थात 4 बार विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने का फल मिल गया। 4 बार कृष्ण नाम आया और जिसमें बताया गया था एक कृष्ण नाम 3000 विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर, 3 नाम के बराबर, तो कितना हो गया? एक बार कृष्ण बोलने से 3 बार विष्णु सहस्त्र नाम बोलने का फायदा, 4 बार बोलने से 12000।
तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से 16,000 विष्णु के नाम का पुण्य मिल रहा है, अर्थात 16 बार विष्णु सहस्त्र नाम बोलने का। इसलिए दोनों हाथों को ऊपर कीजिए, उच्च स्वर में बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 16,000 बार विष्णु का नाम बोलने का फल मिल गया। और जो लोग एक माला करते हैं उसमें 17,28,000 बार विष्णु का नाम, और जो लोग अधिक माला करते हैं 16 माला करते हैं, ज्यादा करते हैं तो करोड़ों में। लेकिन भक्त लोग ऐसे लाभ को नहीं देखते, वो तो कृष्ण को आकर्षित करते हैं, कृष्ण का प्रेम चाहते हैं। तो हम ये बताना चाहते थे कि नाम की कितनी महिमा है। स्वयं भगवान शिव बता रहे हैं नाम की महिमा पार्वती को, और वो कह रहे हैं कि मैं सदैव इन नामों में रमण करता हूं। सारी दुनिया शिव के चरणों में जाती है, 16 सोमवार के व्रत रखते हैं, शिव जी से इंस्पिरेशन लेकर कावड़ लेने जाते हैं उनके लिए। लेकिन कभी शिव जी के जीवन से, शिव जी के आचरण से कुछ सीखते नहीं। शिव और पार्वती की स्तुति करते हैं, उनकी जोड़ी को देखकर नतमस्तक होते हैं, लेकिन शिव जैसा बनना नहीं चाहते। शिव जी तो एक बहुत बड़े कैलाश पर्वत पर, जहां बर्फ ही बर्फ है, और एक बहुत बड़ा विशाल वट वृक्ष, उसके नीचे पार्वती के साथ बैठे रहते हैं और सदैव भगवान के नामों का जप करते हैं। अपने लिए आज तक कोई पक्का मकान नहीं बनाया, 3 BHK, 4 BHK, HIG और LIG और MIG, नहीं, जरूरत नहीं, समय नहीं है इन सब कामों में, भगवान के नामों में ही रमण लेते रहे। लेकिन उनके भक्तों को क्या चाहिए शिव जी से? 3 BHK दिला दो, 16 सोमवार रखेंगे। शिवजी जो संसार में सबके द्वारा निकृष्ट माने जाते हैं, ऐसी आत्माएं जिनको प्रेतात्मा का शरीर मिलता है, उन सब भूतों को उनके अधिष्ठाता देव बन जाते हैं, उनको पालते हैं, और सदैव अपने शरीर पर शमशान की राख लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भैया? क्योंकि भगवान शिव का कहना है, शास्त्रों में कहना है कि भगवान कहते हैं कि जो ये जीवात्माएं हैं जिन्होंने भगवान का नाम लिया, जो ये वैष्णव हैं, जब इनको इनका दाह संस्कार होता है ना, तो मैं उस राख को, उनके शरीर की राख को अपने शरीर पे लगाता हूं ताकि मैं पवित्र हो जाऊं, ऐसी चेतना है शिव। बोलो परम वैष्णव भगवान शिव की, वैष्णव नाम यथा शंभु। जब वैष्णवों की बात आती है इस प्रकार, तो वैष्णवों में शंभु को, शिव को परम वैष्णव कहा जाता है। सदैव पेड़ के नीचे भगवान के नाम का जप करते हैं, और जब आंखें खुलती हैं तो भगवान की कथा करते हैं। ऐसा जीवन होना चाहिए सबका। लेकिन उनके भक्त क्या करते हैं? भोले की फौज करेगी मौज, और आए दिन ऐसी ऐसी फोटो दिखाते हैं कि देखिए भगवान शिव ने तो, ऐसे ऐसे पकड़कर दिखाते हैं, हुक्का लगाते हुए दिखाते हैं उनको। अरे भैया, अगर तुम नकली करनी है शिव जी जैसी, तो पेड़ के नीचे रहो ना, एक छाल लपेट कर, 9 BHK, 3 HK, 9। और अगर शिवजी की तरह कुछ करना है तो हलाहल विष पियो ना, नहीं उतना नहीं पियेंगे, थोड़ी थोड़ी पियेंगे, जो दुकान में मिलती है, सरकारी दुकान में अंग्रेजी शराब। इसलिए लोगों को कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं। शिव ने वो हलाहल जल पिया लोगों के भले के लिए, हमारे भले के लिए।
तो इस प्रकार हम लोग प्रेरणा नहीं लेते, उनकी टीचिंग्स नहीं लेते, उनकी शिक्षाओं को नहीं उतारते अपने जीवन में। इसलिए शिव सदैव आनंद में रहते हैं और हम सदैव दुख में रहते हैं। और अगर उनकी शिक्षाओं को मान लिया, भगवान की भक्ति कर ली, हरि नाम ले लिया, राम का नाम ले लिया, तो हमारा जीवन भी शिव और पार्वती की तरह, गृहस्थ जीवन भी सुखी हो जाएगा। बोले हरे कृष्ण। तो कितने लोग शिव जी से इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, हाथ खड़ा करो, उनकी तरह भक्त बनना चाहते हैं। बोले हरे कृष्ण। तो आपको भी नामों में आनंद लेना पड़ेगा शिव जी की तरह। बोले हरे कृष्ण।